that's the thinking. I was thinking that the other we can put it on a table, but this I can't. Everything changes. स्टोरी है एक लड़की अहाना जो मैं प्ले कर रही हूँ. अहाना बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड लड़की है. अपर मिडिल क्लास से है. उसके पास सब कुछ है. उसको पता है उसे क्या चाहिए क्या नहीं. जो उसकी जैसा फील करती है वैसा करती है. एक ब्रोकन फैमिली से है, मतलब मम्मी पापा की नहीं बनती. तो उसकी दिली ख्वाहिश है कि जब उसकी शादी हो, शादी बहुत अच्छे से चले, तो अपने मन से शादी करती है अनंत माथुर नाम के एक आदमी से जो संजय कपूर प्ले कर रहे हैं. मन से करती है, स्ट्रांग हेडेड है, मतलब दिमाग भी सही चल रहा है, दिल भी सही जगह पे है. तो फिर उसको शादी के बाद ऐसा क्यों लगता है उसने गलती की, ये हमारी स्टोरी है. कई पारिवारिक धारावाहिक जो है वो इस समय चल रहे हैं, तो उनसे किस प्रकार से ये अलग होगा, क्योंकि स्टार प्लस लगातार जो धारावाहिक लाता है वो पारिवारिक ही होते हैं, मेंटेलिटी लोगों की यही बन चुकी है. सर देखिए, बेसिकली क्या इमोशंस क्या होते हैं, अगर मुझे कुछ दिखाना है तो मैं एक फैमिली पे दिखाऊंगी, एक प्यार पे दिखाऊंगी. हमारी मूवीज भी देख लीजिए, रोमांटिक मूवीज होती हैं या तो पारिवारिक पे होती हैं, फैमिली पे होती हैं. स्टार प्लस जो है सबसे बड़ा नेटवर्क है, फैमिली ओरिएंटेड ही दिखाएगा. हमारा शो जो डिफरेंट है, जो मैं कहना चाहूँगी, जैसे मैं बात कर रही थी, हमारे यहाँ पे जो भी लीड लड़कियाँ होती हैं वो सर्वगुण संपन्न होती हैं. हमें यही दिखाया जाता है कि वो सब कुछ मैनेज कर लेंगी. बारिश तूफान आ रहा होगा पर वो छत भी उठा लेंगी, हीरो का काम भी कर लेंगी. ये जो कैरेक्टर है अहाना बहुत ही रियल है. रियल इमोशंस जो होते हैं, कैसे उनसे डील करते हैं. हमेशा हर इंसान स्ट्रांग नहीं हो सकता, कभी ना कभी वो रोता है, टूटता है. ये जो रियल इमोशंस है, रॉ इमोशंस जो कह सकते हैं, ये हैं इस शो में. और कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स होते हैं. रिलेशनशिप सबके होते हैं. आपका मेरा भी अभी एक रिलेशनशिप है. आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आप रिपोर्टर हैं, मैं एक एक्टर हूँ, मैं रिप्लाई कर रही हूँ. बट कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप क्या होगा, वंस यू नो अ पर्सन, कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं. कॉम्प्लेक्सिटीज इन अ रिलेशनशिप कैसे आती हैं, जो इंसान जितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, एक होता ना कहते सरल आदमी है, एक कहते नहीं आदमी थोड़ा डिफिकल्ट है, समझ नहीं आता. जैसे बोलते हैं ना, गर्ल्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स. सो अहाना एक्चुअली बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है. वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट अहाना जो कैरेक्टर है इज, कुछ लोग होते हैं ना, आप उनको जानते हो बट हमको लगता है फिर भी आप नहीं जानते हो. मतलब वो आपके साथ रहते हैं, होते हैं, बट आपको लगता है अप्रोचेबल नहीं है. अहाना वो है. ऐसे लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं. जब ऐसे लोग एक रिलेशनशिप में पड़ते हैं और उसका पार्टनर भी उसको लगता है कि मेरे साथ है पर नहीं है, ये क्या सोचती रहती है. सो दैट इज अहाना. हर आई स्पीक अ लॉट, शी थिंक्स अ लॉट, एंड इट्स ऑल अबाउट दिस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स. किस तरह से रोल ऑफर हुआ था आपको ये, और किस तरह से आपको? मुझे कॉल आया था, मैंने फोन उठाया, उन्होंने मुझे बोला. मैं दरअसल वेट कर रही थी एक अच्छे रोल के लिए. मैंने एक साल तक वेट किया फ्रॉम माई लास्ट शो. और जब मुझे कॉल आया तो मैंने बोला क्या स्टोरी है, उन्होंने बोला ला बताया. मैंने बोला ये शो मैं ही करूँगी, मुझसे बेहतर कोई नहीं करेगा. तो जिस तरह मैंने ऑडिशन दिया और मुझे पता था ये मैं ही करने वाली हूँ, उनका कॉल आया. और काफ़ी लंबी वेट रही, एक साल तक ये इन द प्रोसेस रहा है. तो अब फाइनली रिलीज हो रहा है. हाँ जी, थैंक यू.